राजस्थान में बीजेपी नेताओं की बगावत जारी, अब मंत्री सुरेंद्र गोयल समेत 11 बागियों को 6 साल तक के लिए पार्टी से निकाला गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने को गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सही फैसला बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, राज्यपाल केंद्र के गुलाम। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सेना और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्यवाही में 6 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। केरल में बढ़ते तनाव के मद्देनजर सबरीमाला, निलक्कल और पंबा में धारा 144 4 और दिनों के लिए बढ़ाई गई। अमृतसर ट्रेन हादसे में रेलवे को क्लीन चिट मिली, रेलवे सुरक्षा आयोग ने कहा, लोगों की गलती से हादसा हुआ। देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु नानक देव की 550वीं जयंती, केंद्रीय कैबिनेट ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने को मंजूरी दी। आईसीसी महिला विश्व टी20 क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 8 विकेट से हराया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरीकॉम एक बार फिर विश्व महिला मुक्केबाजी के फाइनल में पहुंची। और पत्रकार जमाल खाशोगी हत्याकांड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया एजेंसी सीआईए के आंकलन को गलत बताया।